की तारनहार, मनरेगा का बजट हुआ कम, सरकार ने बड़ी कटौती की, 30% बजट घटाया, पीएम मोदी की फेवरेट योजना का बजट क्यों बढ़ा। वित्त मंत्री के बजट के पिटारे में आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री को कई सौगातें दी गई हैं, वहीं कई जगह कैंची भी चलाई गई है। केंद्रीय बजट में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजटीय आवंटन में 30% की कटौती की गई है। इसे घटाकर अब 61,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2022-2023 के संशोधित अनुमान 79,000 करोड़ रुपए से 30% कम है। यह योजना के बजटीय आवंटन में दूसरी सीधी कटौती है। 2022-2023 के बजट में भी मनरेगा के बजटीय आवंटन में 58,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 25% की कटौती कर 73,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। नौकरी गारंटी योजना देश भर के ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करती है। मनरेगा को 2005 में संसदीय अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था और महिलाओं के लिए 1/3 ग्रामीण नौकरियों को निर्धारित किया गया था। वर्षों से यह योजना गेम चेंजर के रूप में काम कर रही है। लाखों ग्रामीण परिवार ने इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किया है। कोरोना काल के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिकों को इसके तहत काम मिला था, जब वह अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए मजबूर हुए थे। 2023-2024 के केंद्रीय बजट में खाद और सार्वजनिक वितरण के लिए बजटीय आवंटन को 30% घटाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट के मुताबिक 2023-24 के लिए बजटीय अनुमान 2000 करोड़ रुपए है, जो 2022-2023 के संशोधित अनुमान 2096 करोड़ रुपए से 30% कम है। केंद्र ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया है, जिसे कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता के अलावा प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया। इस योजना को 1 जनवरी 2023 से बंद कर दिया गया था। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए।